नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। वीडियो है नेहू की तरफ से, यानी कि नेहू का मतलब आप सभी जानते हैं, एक यूनिवर्सिटी का शॉर्ट में नाम है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। इसके निकले थे एप्लीकेशन फॉर्म कई कोर्सेज के, लेकिन आज बात करेंगे आपसे पीएचडी की। एप्लीकेशन फॉर्म की बात नहीं करेंगे, आपसे बात करेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट की, इंटरव्यू की डेट की, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन कितने टाइमिंग का होगा उसकी बात करेंगे, और कब तक आएगा आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक, और ये भी याद रखिएगा, वीडियो शुरू करने से पहले, देखने से पहले इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि सभी विभागों की सूचना नहीं आई है, जिस विभाग की सूचना आई है उसी का नोटिफिकेशन, इसको समझिएगा, सभी डिपार्टमेंट पर लागू नहीं होगी ये सूचना। सबसे पहली चीज़, तीन डेट्स आप लोग कहीं लिख लीजिए, 15, 17, 18 नवंबर 2021, 15, 17, 18 नवंबर 2021, इन तीन डेट्स का क्या मतलब है उसके बारे में अब बात करते हैं आपसे। सबसे पहले जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसको यूनिवर्सिटी ने दो सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया है। दो सब्जेक्ट का मतलब इसको आप समझेंगे कि पहला पेपर होगा, सेकेंड पेपर होगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा चेंजेस है। अब चेंजेस ये सभी पेपर में लागू होगा, सभी सब्जेक्ट में लागू होगा, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूँ, ना ही नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं लिखा है, लेकिन जो ये पेपर होने वाला है इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है इसमें इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, और दूसरा है हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी और इंडियन हिस्ट्री, इन दो पार्ट्स में आपके टेस्ट को बांटा गया है, और ये जो थीम है, आपको टॉपिक लग रहा होगा ये हिस्ट्री का है, जी हाँ, यह है टोटल टॉपिक हिस्ट्री का है, और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की सूचना मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, पीएचडी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की सूचना मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं डेट्स पर, 15, 17 और 18, तीन मैंने डेट आपको बताई थी, फिर भी देख लेते हैं, हाँ यही डेट है। 15 तारीख को आपकी प्रवेश परीक्षा होनी है, 15 नवंबर 2021 को प्रवेश परीक्षा होनी है। समय आपके पेपर का रहेगा 11:00 बजे, और पेपर की टाइम लिमिट रहेगी 60 मिनट, 1 घंटा। ठीक, 15 को आपका पेपर हो जाएगा, और उसके दो दिन के बाद जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं प्रवेश परीक्षा में इंटरव्यू के लिए, 17 तारीख को उनका इंटरव्यू रखा गया है। 15 के बाद 16 की शाम या 17 की सुबह आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं आपको भी आगे बताऊंगा लास्ट में कि एंट्रेंस इंटरव्यू ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, यदि ऑफलाइन है तो कहाँ जाना है, और यदि ऑनलाइन है तो किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है। ठीक, 17 को आपका इंटरव्यू रखा गया है, समय है 10:30 बजे। इसके बाद एक डेट आपको देखिए, 18 तारीख, 17, 15 के एंट्रेंस का 17 को इंटरव्यू है, 17 के इंटरव्यू का 18 को रिजल्ट आ जाएगा, किसी भी समय आ जाएगा। ठीक, लेकिन 9 बजे के बाद ही आएगा, 18 नवंबर को, और जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होगा उन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट को 10 दिन का समय मिलेगा अपनी फीस को सबमिट करने के लिए, यानी कि 29 नवंबर 2021 तक जो बच्चे सिलेक्ट होंगे इंटरव्यू के बाद फाइनली, उनको अपनी फीस को सबमिट कर देना है। लेकिन सिलेक्टेड कैंडिडेट में से यदि कोई कैंडिडेट 29 नवंबर रात्रि 12 बजे तक अपनी फीस सबमिट नहीं कर पाता है, तो उसके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, और जिसका भी नाम वेटिंग लिस्ट में होगा उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। एंट्रेंस के वेन्यू की और मोड की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये तो क्लियर कर दिया है यूनिवर्सिटी ने कि आपको यूनिवर्सिटी बुलाएगी और आपका एग्ज़ाम पेन और पेपर से लिया जाएगा। ठीक, आपको जाना है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, पेन और पेपर पे आपका एग्ज़ाम होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे, ये कहीं क्लियर नहीं किया गया है। आपने जो भी ये 4 मिनट की सूचना देखी, ये पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के लिए थी केवल, किसी और डिपार्टमेंट की सूचना ये नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि हमने हिंदी से भरा है, हमने फिलॉसफी से भरा है, हमने फिजिक्स से भरा है, ये सूचना जो आई है वेबसाइट पर 21 सितंबर को ओनली फॉर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की तरफ से आई है। इसमें कोई मेंशन नहीं है कि अन्य विभाग के बच्चों को भी 15 नवंबर को एंट्रेंस देने के लिए जाना है। नोटिफिकेशन आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो यूनिवर्सिटी से संपर्क कीजिएगा सबसे पहले, मेरे से कोई सवाल हो तो आप मुझसे भी कर सकते हैं। यही थी छोटी सी सूचना नेहू विश्वविद्यालय की तरफ से पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हिस्ट्री की तरफ से। आपका अपनों का ध्यान रखिएगा,
पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा, पुस्तक के पास, परिवार के पास, और फिजिकल दूरी बनाए रखिएगा। कोविड का दौर चल रहा है, राजनीति अपनी जगह है, स्वास्थ्य अपनी जगह है, और आपका लक्ष्य केवल अपनी जगह है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम।